तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जी सारे नू, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। एक और बना के भी बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो। और भाई आज की वीडियो के अंदर जैसा कि हमने थंबनेल लो टाइटल में देख ही लिया होगा, हम जाने वाले हैं भाई बुकर्स पे, जो कि है एक बहुत ही बड़ा सा वेयर हाउस, ठीक है, होलसेल वेयर हाउस है। वहाँ पे भाई जो अपना मतलब सामान होते हैं ना बल्क में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा चीप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर आसपास से लें टेस्को वगैरह से, तो मैंने जहाँ आपको मतलब ग्रॉसरी स्टोर वगैरह दिखाए हैं वहाँ से थोड़े से हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अगर हम बल्क में उठा लें तो भाई ऑब्वियसली बात है हमें चीप पड़ते हैं। तो भाई आप लोगों को पता ही इंडिया में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इंडिया का जैसे वेयर हाउस है बड़े बड़े, ये यहाँ का होलसेल मार्केट है, एक टाइप की होलसेल वेयर हाउस है, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, होप यू विल एंजॉय इट। तो भाई सामने देख लो हम बुकर्स पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख लो सामने सामने लिखा हुआ है होल सेल। तो होल सेल का मतलब आप समझ ही गए होगे कि भाई यहाँ पे हर चीज़ जो मिलती है वो होल सेल पर मिलती है, ठीक है। और ये देखो एक और चीज़ सामने देखो, ओपन 7 डेज, 7 दिन ओपन रहता है ये, ठीक है। और यहाँ पे देख लो एक और पे लिखा हुआ है बुकर्स होल सेल। तो चल जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई कि क्या क्या चीज़ें मतलब प्राइस डिफरेंस क्या क्या है। चलो भाई ये देखो भाई, जल्दी से अंदर चलते हैं बुकर्स के और देखते हैं भाई क्या प्राइस डिफरेंस है। ये देखो लो भाई, हर चीज़ होल सेल पर लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो प्रभ भी हमारा होल सेल पर लगा हुआ है, प्रभ को भी खरीद लिए है प्रभ। ये देख लो भाई मैगी का पूरा लगा हुआ है, पूरा डिब्बा लगा हुआ है यहाँ पे, कितने का 4.29 का। कोक लगी हुई है देख लो यहाँ पे, ये देखो पूरे मतलब हर चीज होलसेल पे ही है यहाँ पे। ये देख लो भाई डीओ वगैरह भी लगे हुए हैं, प्राइसेस वगैरह आप चेक कर सकते हो साथ साथ। ये देखो साबुन वगैरह भी देखो, पूरे पूरे 3-3 के पैक हैं यहाँ पे। नाइफ भी बड़े सस्ते लगे हुए हैं यहाँ पे। दो पाउंड का केले दें कच्चे ने, कच्चे ने छोटे ठहर रहे, छोटे ठहर रहे। यही था आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होप यू हैव एंजॉयड द व्लॉग, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से तो मैंने सारा दिखाया था, फिर उसके बाद ना
मैंने स्ट्रेट में वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि भाई वहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा था रिस्ट्रिक्शंस आया वीडियो बनाने पे, क्योंकि मतलब उन्होंने मना नहीं करा लेकिन मैंने खुद ही मतलब नहीं बनाई मतलब कुछ मुझे अजीब सा लगा इस चक्कर में, ठीक है। तो बाकी की वीडियो जो है थोड़ी बहुत स्ट्रेट है, थोड़ी बहुत मैनेज कर लेना, ठीक है। अगली बार से मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए कि भाई जितनी ढंग से ढंग मतलब जितनी सेम फॉर्मेट में हो पाए उतनी सेम फॉर्मेट में बना दूंगा, ठीक है। तो भाई यही था आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।